Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about accounting process, rules of debit and credit. Normally, हम जब कोई भी business transaction को practical form में implement करते हैं, जिसका first step होता है generalize them, आपको उसकी journal entries बनानी है, वो होता है accounting process. लेकिन accounting process के according, हम अगर accountancy की बात करें, तो there are two sides. One side is a debit and other side is a credit. तो according to rules, जो हम आगे की जो अपने वीडियो में क्लियर भी करेंगे कि according to rules आप किस चीज को डेबिट करेंगे, किस ट्रांजेक्शन को आपको, किस एडजस्टमेंट को, किस आइटम को आपको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये हम आगे क्लियर करेंगे. बट आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस. बिजनेस ट्रांजेक्शन को जब हम सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जब ऑपरेट करने जा रहे हैं तो वो होती है अकाउंटिंग प्रोसेस. कि बिजनेस ट्रांजेक्शन सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन करा, देन उसके बाद में आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, देन उसकी क्लासिफिकेशन. हम पार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग का, ये कोई क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं. अकाउंटिंग प्रोसेस वैसे तो फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू एनालिसिस तक चलेगा, बट अभी जो हमारा पहला स्टेप है दैट इज रिकॉर्डिंग दैट. अब हम जब बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देर आर टू साइड्स. One side is a debit and other one is a credit. वो हम बाद में discuss करेंगे, but उससे पहले अगर हम modern accountancy की बात करें, जो अभी presently अपनी accountancy चल रही है, उस condition में business transaction को operate करने के दो approaches होते हैं. Number one, by modern approach. And number two, by traditional approach. Okay, number one हो गया modern approach and second is a traditional approach. But यहां पर आपको एक बात क्लियर ये रखनी है कि जब हम प्रैक्टिकल प्रोसेस में आएंगे तो वी अडॉप्टेड ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्रीज वगैरह क्लासिफिकेशन वगैरह करना पड़ेगा. बट लेकिन हम मॉडर्न अप्रोच क्यों पढ़ रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच को हमें क्यों लेके चलना है, क्योंकि अब तक हमने टेंथ तक यही चीज करी थी प्लस माइनस. तो प्लस माइनस के बिहार में जब आप मॉडर्न अप्रोच में कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे, जिसको मैं बोलूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन, तो मॉडर्न अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच आपको एक ट्रांजेक्शन के बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी. वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या करें, प्रिपेयर कैसे होता है, LHS इक्वेशन है तो LHS इक्वल्स टू RHS भी होगा, वो सब हमारे आगे के टॉपिक्स हैं. बट अभी हम इसको थ्योरिकल फॉर्म में क्लियर कर रहे हैं. सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच को हम आज क्लियर करेंगे. मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको जनरली 5 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाएगा. ओके, हम जब मॉडर्न अप्रोच को लेके चलेंगे, फर्स्ट मॉडर्न अप्रोच, all the business transactions are classified in 5 kinds of account. 5 तरह के accounts हैं जिसे अब मैं explain करने जा रहा हूं. Number 2, Number 3, Number 4 and Number 5. 1, 2, 3, 4 and 5. सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे एसेट्स अकाउंट के अंदर. हमने बेसिक थ्योरीज में हम लोगों ने इसको क्लियर भी कर रखा है. पहला हो गया एसेट्स अकाउंट. ओके, Number 2, लायबिलिटीज अकाउंट. ओके, Number 3, कैपिटल अकाउंट. अब ये चीजें आप लोगों के लिए नहीं है थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में काफी अच्छी तरह से क्लियर करके. Number 4, रेवेन्यू अकाउंट और इनकम अकाउंट. एंड Number 5, एक्सपेंसेस अकाउंट. ओके, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच वी क्लासिफाइड
transaction into five categories or five accounts. Number one, assets account. Number two, liabilities account. Number three, capital account. Number four, revenue या income account. And number five, expenses account. अब मैं थोड़ा सा basic accounting terms में बात लेके चलूँ आपकी. हमने जब assets को classify करा, सबसे पहले what is the meaning by assets? Properties. बिजनेस को ऑपरेट करने में जो आपकी प्रॉपर्टीज आ रही है, जो आपके प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस है, दैट इज नोन एज एसेट्स नॉर्मल वे में. प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन एंड कैश इन बैंक, ये सब एसेट्स है. लेकिन हमने जब एसेट्स को क्लासिफाइड कराया है तो हम इसको जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रहे थे. नंबर वन इज करंट एसेट्स एंड नंबर टू इज नॉन करंट एसेट्स. करंट एसेट्स विद इन ईयर जो अपने कैश में कन्वर्ट हो रही है, जिसका अमाउंट आपको विद इन ईयर रिसीव हो जाएगा, दैट इज अ करंट एसेट्स. कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, बिल रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट अपने पास बिल रिसीवेबल, इनको हम मानते हैं. तो एसेट्स अगर मैं सब क्लासीफाई करूँ तो दो कैटेगरी में लिखे चल रहा हूं. नंबर वन इज अ करंट एसेट्स एंड नंबर टू इज अ नॉन करंट. जनरली चीजें सर लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज फॉर्म के ऊपर, बिजनेस एंटरप्राइजेस के ऊपर जो हमारी ड्यूटीज होती है, जो डेट होते हैं, दैट इज नोन एज ए लाइबिलिटीज. अब जब इनको भी हम क्लासिफाई कर रहे थे, जैसे मैं एग्जांपल पहले ले लूँ उसका, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब चीजें हमारे पास में लाइबिलिटी होती है. बट लाइबिलिटी को जब आपने सब क्लासिफिकेशन करा था तो हम उसको जनरली दो कैटेगरी में सब क्लासिफाई कर रहे थे. नंबर वन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और नंबर टू इंटरनल लाइबिलिटीज. यहां पे आप लाइबिलिटीज का मतलब आपको किसे मानना है, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. तो यहां पर अगर मैं लाइबिलिटीज को सब क्लासिफाई करूंगा तो लाइबिलिटीज के अंदर मॉडर्न अप्रोच में किस तरह की लाइबिलिटीज मैं शो करूंगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दैट मीन्स आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स जो हमारे होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं. आप इसको रिकॉर्ड करेंगे. नंबर थ्री कैपिटल अकाउंट, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटीज. ये भी लाइबिलिटीज का पार्ट है. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जो कैपिटल है वो लाइबिलिटीज होती है. प्रोप्राइटर के लिए वो एक इंट्रोड्यूस अमाउंट है, ठीक है, वो एसेट्स मैं मान सकता हूँ. बट अगर मैं किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शो करना चाहूंगा, इट इज अ लाइबिलिटी, बट इट इज अ इंटरनल लाइबिलिटी. कैपिटल एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या रेवेन्यू प्रॉफिट इज अ इंटरनल लाइबिलिटीज. मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग तीसरी कैटेगरी हमारी हो गई कैपिटल की. नंबर फोर दैट इज रेवेन्यू, और इसे हम बोल सकते हैं इनकम. ओके, अब इनकम्स में आप क्या क्या ले सकते हैं? नॉर्मली पता है सर, कमीशन रिसीव्ड हो गया. सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्सेस, द मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज नोन एज सेल्स ऑफ गुड्स. कि जो गुड्स को सेल्स करेगा, ये सबसे बड़ी रेवेन्यू मानी जाती है. गुड सोल्ड, चाहे क्रेडिट पे आप पे सोल्ड करो, चाहे कैश पे आप पे सोल्ड कीजिए, ये सबसे बड़ा सोर्सेज होता है रेवेन्यू का. ओके, अब इसके अलावा एडिशनली हम और भी मान सकते हैं, रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड है, हम इन सब चीजों को ले सकते हैं. इसके अलावा मिसलेनियस रिसीव्स है, बैड डेट रिकवर्ड होता है हमारे पास में, हम इन सब को लेंगे. डिस्काउंट रिसीव्स है, ये हमारा रेवेन्यू का पार्ट हो गया. फोर्थ पार्ट, लास्ट एंड फाइनली एक्सपेंसेस. नॉर्मल वे में चलना है, बिल्कुल ज्यादा डीप में है नहीं, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल करेंगे इसके बाद में मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आपको ध्यान से देना है. अब ये हो गया हमारे पास में एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को रेगुलरली ऑपरेट करने के लिए जो आपको सर्टन अमाउंट इनकर करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज एक्सपेंसेस. अब कई तरह के एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखेंगे हम, जैसे सोर्सेज ऑफ इनकम, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस का सबसे मेनली सोर्सेज ऑफ इनकम होता था सेल.
तो जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं उनका मेन एक्सपेंसेस जो पैसा जो यूजेज ऑफ सोर्सेज होता है जो पैसा हम यूटिलाइज करके चलेंगे दैट इज परचेज। सबसे मेन एक्टिविटी किसी भी बिजनेस को ऑपरेट जो रेगुलरली बेस पे हम लेंगे परचेज ऑफ गुड्स और सोल्ड ऑफ गुड्स आइदर इन अ कैश फॉर्म इन अ क्रेडिट फॉर्म वो बात मायने नहीं रखती। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमने लिया परचेज, इसके अलावा एडिशनली सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, प्रिंटिंग स्टेशनरी पेड, ऑडिट फीस पेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, बहुत सब ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। जितना बड़ा बिजनेस उतने ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो नॉर्मली हमने पहले क्या कंडीशन क्लियर करी है, अकाउंटिंग प्रोसेस को प्रैक्टिकली क्लियर करने से पहले हम दो अप्रोचेस जो दो अप्रोच होते हैं हमारे उसको हम थ्योरिकल फॉर्म में क्लियर करेंगे ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, नंबर वन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अभी भी एक नॉर्मली बात मैं बता देता हूँ, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का वो अकाउंटिंग इक्वेशंस में होता है, जो इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा पहले हम उसको क्लियर करेंगे। लेकिन हम एक चीज मानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम बिजनेस ट्रांजेक्शन जनरली ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन ये चैप्टर सर मॉडर्न अप्रोच हमको बताया क्यों जा रहा है, फिर वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमारा बेस अब तक जो टेंथ में था किसी भी वैल्यू को प्लस और माइनस करने का था। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंट इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे उसमें प्लस माइनस चलेगा, डेबिट क्रेडिट नहीं चलेगा। लेकिन मैं अभी भी एक चीज बोल देता हूँ बेटा, अकाउंटेंसी में प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू को प्लस और माइनस एक प्रोसेस में शो कर लो, लेकिन अकाउंटिंग में हम यूज करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। इस अमाउंट को डेबिट कीजिए, इस अमाउंट को क्रेडिट कीजिए, ना कि इस अमाउंट को प्लस कीजिए, इस अमाउंट को माइनस। वो हम अपने कन्वेंट के लिए चीज कर लेते हैं कि ठीक है सर प्लस कर लो माइनस कर लो ओके, बट डेबिट एंड क्रेडिट हमें यूज करना है क्योंकि अकाउंटेंसी दो साइड पर चलती है, नंबर इज अ डेबिट साइड एंड अदर वन इज अ क्रेडिट साइड। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग वी क्लासिफाई ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइव कैटेगरीज इनटू फाइव अकाउंट। नंबर वन इज अ एसेट्स अकाउंट, नंबर टू लायबिलिटीज अकाउंट, नंबर थ्री कैपिटल अकाउंट, नंबर फोर रेवेन्यू और इनकम अकाउंट एंड नंबर फाइव एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे आपको बेटा एक बात और समझनी है, हम अकाउंटिंग प्रोसेस में अब रेगुलरली अब कंटिन्यू करके चलेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए मॉडल अप्रोच तो वही है, या तो वैल्यू इंक्रीज करेगी एसेट्स या तो इंक्रीज करेगी ध्यान से या डिक्रीज करेगी, लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली। एसेट्स या तो इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, लाइबिलिटीज या तो इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, कैपिटल या तो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, रेवेन्यू या तो इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, एक्सपेंसेस या तो इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे। मैं एक ही पॉइंट पर चल रहा हूं क्योंकि बिजनेस जब अपन ऑपरेट करते हैं तो यही दो चीज चलती है मॉडर्न अप्रोच में, जिसे हम केवल प्लस एंड माइनस के अंदर शो करेंगे डेबिट क्रेडिट में। अब एक नॉर्मली बात है, अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज करती है तो इट इज पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव है, आप इसको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एसेट्स में प्लस करेंगे ऐड करके चलेंगे। ओके, एक प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ उसके लिए भी, कोई ज्यादा बड़ी लंबी छोटी चीज नहीं है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास 5 लाख का ऑलरेडी रखा हुआ है और अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए मैंने 1 लाख के प्लांट एंड मशीनरी और परचेज कर ली। अब मैं आपसे पूछूं बेटा फ्यूचर में प्लांट एंड मशीनरी कितने हो गए, इंक्रीज करा तो आपको लोगों सर रुपए 6 लाख, क्योंकि इंक्रीज करा तो नेचुरली बात है प्लस करोगे। तो दैट मीन्स मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो जो एसेट्स हमारी है अगर वो इंक्रीज करें किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन के बिहार में आपको उस पर्टिकुलर एसेट्स में प्लस करना है। अगर वो एसेट्स गिवन ही नहीं है शुरू से तो एक नई एसेट्स हमारे पास आ जाएगी, आप उसको हेडिंग डाल के टाइटल डाल के शो करोगे, वो हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नंबर टू, अगर एसेट डिक्रीज कर दी तो ये रूल दोनों तरह के एसेट्स पे बेटा करंट हो चाहे नॉन करंट, अगर डिक्रीज करेगी हम इसे माइनस करेंगे। डिक्रीज मतलब वैल्यू कम होना, इंक्रीज बढ़ गया तो प्लस कर दो, डिक्रीज हो गया तो माइनस कर दो। अब ये रूल मैं लाइबिलिटीज में भी फॉलो करूंगा, चाहे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के बिहार पे मेरे क्रेडिटर्स मान लीजिए या बैंक लोन अगर इंक्रीज करेगा तो मैं इसको रेस्पेक्टिव लाइबिलिटीज में प्लस करूंगा, अगर डिक्रीज कर रहा है तो मैंने उसको माइनस करूंगा। सेम रूल चलता है। नंबर थ्री कैपिटल
इंटरनल लाइबिलिटीज है, इसमें भी सेम ट्रीटमेंट है हमारे पास में। कैपिटल के साथ में एक चीज और इसमें शो कर सकता हूं जो मैंने आपको बता रखा है, दैट इज ड्रॉइंग्स, दैट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए पैसा आपने विड्रॉ करा। अब एक नॉर्मली बात है, अगर मैं एडिशनली कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इनकेस अगर मैंने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, इंक्रीज प्लस करनी है। अगर मेरी कैपिटल किसी रीजन से डिक्रीज करती है, डिक्रीज का सबसे बड़ा रीजन होता है जब हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं कैपिटल में से, डिक्रीज है मैंने उसको माइनस कर लिया, या मान लीजिए मैंने परमानेंटली अपने कैपिटल में कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, मैंने माइनस कर लिया। नंबर फोर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। बट इस चीज को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, रेवेन्यू सेल्स है, पैसा हमारे पास आ रहा है, आप कैश में इसको इंक्रीज करेंगे। अगर ये डिक्रीज कर रहा है, जैसे कोई इनकम हमें पहले एडवांस में मिल गई है, ठीक है, मानते कोई इनकम पहले हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है, वो आप रिसीव नहीं होगी तो आप उसको डिक्रीज करके चलेंगे अकाउंट इक्वेशन के बेस पे। तो इंक्रीज प्लस और माइनस। नेक्स्ट उसके बाद में एक्सपेंसेस, फ्यूचर में इंक्रीज कर रहे हैं, हो रहे हैं, रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस हम प्लस करेंगे और डिक्रीज करेंगे हम सॉरी माइनस करेंगे। तो एक बेसिक रूल हमारे पास चलता है प्लस माइनस, क्योंकि मैंने अभी एक चीज आपको क्लियर कर दी बेटा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच वी प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS और RHS दोनों उसमें इक्वल चलेगी, और इक्वल चलने का मतलब हमारा क्या हो गया, अगर वो इक्वल चल रही है हमारे पास में तो हम इक्वेशन को इक्वल मानते हैं, क्योंकि आप 10th तक मैथ्स में यही करते थे, LHS इक्वल्स टू RHS, हिंस प्रूफ क्लियर हो गया हमें। तो हमें ये चीज ध्यान रख के चलनी पड़ेगी, लेकिन हम अब एक नॉर्मली बात ध्यान में रख के चलेंगे, जितने भी रेवेन्यू होते हैं, इनकम है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये सब हमारे लिए नॉमिनल नेचर अकाउंट्स होते हैं। मैं जब आपको आगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो पहले हमको ये चीज समझनी है, क्योंकि पहले मैं दोनों अप्रोचेस आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर हम मॉडर्न अप्रोच का एक प्रैक्टिकल सम, एक नहीं दो सम कर लेंगे, लाइव क्लास में भी करेंगे और हमारे पास जो YouTube वीडियोस वगैरह हम आपको सेंड करें उसमें भी, ताकि आपको अच्छे से उसका रिवीजन वगैरह हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमने पांच अकाउंट मेंटेन कर लिए, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें इस बेस पे करके चलना है। अब इन्हीं चीजों को हम प्लस माइनस को डेबिट एंड क्रेडिट, जो हमारे रूल्स होते हैं, दो साइड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे। एसेट इंक्रीज करेगी, डेबिट, ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज करती है किसी भी रीजन से, तो हम जब उसको सॉरी शो करेंगे तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे पास वो कैसे शो होती क्या है, वो एक सिस्टमेटिक मैनर है, वो आगे आपको क्लियर करना है, बट अभी हमने माना मॉडर्न अप्रोच अकॉर्डिंग कोई भी एसेट इंक्रीज करेगी शुड बी डेबिटेड, अगर इंक्रीज करेगी शुड बी क्रेडिटेड। बट एसेट्स का अपोजिट होता है लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी में उल्टे अपन अपोजिट रूल फॉलो करेंगे, अगर कोई भी लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगी शुड बी क्रेडिटेड, एंड अगर डिक्रीज कर रही है शुड बी डेबिटेड। क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को तब तक आपको याद रखना पड़ेगा जब हम जनरल एंट्रीज बनाना स्टार्ट करेंगे। जब हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे तो मैं आपको ये रूल बोला करूंगा, बेटा ये इंक्रीज हो रही तो डेबिट कर दीजिए, ऐसे इंक्रीज हो रही तो डेबिट कर दीजिए, ऐसे डिक्रीज हो रही तो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा वहां पे, कि उसी बेस पर अपनी एंट्रीज बन जाएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के बेस पर वैसे बेसिकली एंट्री बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल में भी सेम ट्रीटमेंट है, अगर कैपिटल इंक्रीज है तो कैपिटल होता तो अपने लिए लाइबिलिटीज है, बट अपने पास कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, लाइबिलिटीज तो तब भी है। तो सेम रूल, अगर कोई भी कैपिटल इंक्रीज करे क्रेडिटेड, और अगर कोई कैपिटल डिक्रीज करे तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इट इज डेबिटेड। रेवेन्यू सिंपल चीज है, अगर रेवेन्यू हमारी इंक्रीज कर रही है, इन केस कोई भी रेवेन्यू अगर आपके इंक्रीज कर रही है शुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि पैसा आ रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, शुड बी क्रेडिटेड। और कोई भी रेवेन्यू डिक्रीज कर रही है शुड बी डेबिटेड। ओके, एक्सपेंसेस सेम वही चीज, अगर कोई भी एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे शुड बी डेबिटेड, और अगर कोई एक्सपेंस डिक्रीज कर रहे हैं शुड बी
अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज की क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस करा है, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग के बिहाफ पे हम दो अप्रोचेस ले रहे हैं, रिवीजन में करा था, जिसमें आज हमने पहला पॉइंट क्लियर करा है मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उसके बेस पर प्लस एंड माइनस है, डेबिट क्रेडिट नहीं चलेगा। लेकिन ये डेबिट क्रेडिट का रूल जब हम जनरलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच आएंगे उसमें यूज करके चलेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है, इसको लाइव क्लास में भी हम रिपीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। बट जब प्रैक्टिकल सम हो अकाउंटिंग इक्वेशन का, तब थोड़ा आपको ध्यान रखना ये पड़ेगा कि हम प्लस करें कि माइनस करें, इसका रीजन क्या है। और एंड में LHS equals to RHS आना कंपलसरी होता है, क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही LHS equals to RHS, hence proof, okay?